महाराजगंज में आज पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने के लिए अटेवा के बैनर तले शिक्षकों, कर्मचारियों, अधिकारियों के विभिन्न संगठनों के हजारों सदस्य स्थानीय सांसद पंकज चौधरी के आवास पर प्रातः से ही उपवास पर बैठे रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राजेश जायसवाल ने किया। संचालन जिला उपाध्यक्ष देवेश पांडे ने किया। जिला महामंत्री टीपी सिंह ने कहा कि पुरानी पेंशन शिक्षकों, कर्मचारियों का हक है। पटेवा का आंदोलन अपनी गति पकड़ चुका है और अब यह रुकने वाला नहीं है। सांसद व विधायक अपने लिए पेंशन ले लेते हैं जबकि हमारे लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। जिला प्रवक्ता अटेवा आदित्यनाथ शुक्ला ने उपवास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि एकमात्र मुद्दे या मांग पर आधारित संगठन अटेवा का उपवास कार्यक्रम आज देश भर के प्रत्येक सांसदों के आवास पर सामूहिक रूप से एक साथ चल रहा। मन की बात करने वाले प्रधानमंत्री अपने कर्मचारियों की मन के खिलाफ कर रहे हैं। जब तक पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल नहीं होती यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है। आगामी 26 नवंबर को सांसद का घेराव कर पुरानी पेंशन बहाल करने पर सरकार को विवश कर दिया जाएगा। जिला मंत्री जगदम्बा सिंह ने सभी का आह्वान करते हुए कहा कि हमारे एकजुटता से ही यह सरकार विवश हो जाएगी। पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए पुनः सरकार को हम सभी कुर्सी पर बैठने नहीं देंगे। उपाध्यक्ष देवेश पांडे ने कविता लागू करते हैं, यही कर्मचारी अधिकारी सरकार की योजनाओं को धरातल पर लागू करते हैं, लेकिन उनको उनके बुढ़ापे की लाठी छीन कर और उनको सड़क पर आने को मजबूर कर दिया है। ये यहाँ आंदोलन रुकने वाला नहीं है। यह समाज का कुछ तथाकथित संगठन नहीं है जो बंद कमरे में जाकर बैठ के कर ले और बैठ के कर लेने के बाद उनके मौखिक और फर्जी आश्वासन पर रुक जाए। यह संगठन रुकने वाला नहीं है और आंदोलन यह अनवरत चलेगा तब तक जब तक कि पुरानी पेंशन बहाल जिम्मेदार लोग नहीं करते। जैसा कि सरकार कह रही है कि पुरानी पेंशन अच्छी है और नई पेंशन अच्छी है, पुरानी पेंशन अच्छी नहीं है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, इसलिए कहा साथियों, पुरानी पेंशन अगर वो कह रहे हैं छोटी क्यों ना हो, नई पेंशन अच्छी है तो मुबारक हो उनको। नई पेंशन हमको जो खराब पेंशन कह रहे हैं ओल्ड पेंशन ही दे रहे हैं। मैं यहाँ यह कहना चाहता हूँ कि वर्तमान सरकार पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली बन गई है। हमारे प्रत्येक माह कमाई का 10% हिस्सा बाजारों में जा रहा है। बाजार की स्थिति यह है कि आए दिन सेंसेक्स गिर रहा है। भविष्य में जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हम शायद यह लड़ाई लड़ने की भी स्थिति में न हो, उस समय यह हमको ठगने का कुचक्र है। पूंजीपतियों के हाथ में हमारा रुपया लेकर पूंजीपति उसका दुरुपयोग करेंगे।